वो मेरा नहीं है लेकिन अभी सर दिस मंथ सर जी इन पोडियम में निकाल दिए थे हाँ तो फिर पोडियम लगाए थे ना हाथ पे कर रहे अच्छा ये अकेला कर रहा है राजा का बेटा राजा ही जरूरी नहीं है कि वही बनेगा जो उस लायक होगा जैसा कि इसमें आप अगर कुछ बताना चाहेंगे कैसा रहा किस अंदाज में आप दिखाई देने वाले हैं ये जो मेरे ख्याल से लोगों के जहन में अकबर की तस्वीर है वो पृथ्वीराज कपूर साहब की है और वो ऐसी तस्वीर है जो आसानी से मिटाई नहीं जा सकती और ना उसको मिटाने की कोशिश है इसमें अकबर का किरदार एक अलग तरीके से दिखाया गया है जो मुग़ल आज़म में नहीं था बल्कि मुग़ल आज़म में बिल्कुल अलग किस्म का था जो ज़्यादातर उनका जलाल उनका गुस्सा और अपने बेटे के साथ जो अदावत थी सिर्फ सलीम का ही जिक्र है तो ये उससे काफ़ी अलग है और इसमें एक्शन काफ़ी सारा है और मुझे जैसा कि मेरा जुस्ता है जो पृथ्वीराज जी जैसा नहीं है उसको मैंने जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि अकबर के कि कन्फ्यूजन्स क्या थे उनके प्रॉब्लम्स क्या थे मसले क्या क्या थे और किस आप किस अंदाज में दिखाई देने वाले हैं इस बार धर्म पाजी हैं आप हैं अदिति राव हैदरी हैं राहुल जी हैं बहुत बड़ी कास्ट है आप इस बार किस अंदाज में दिखाई देने वाले हैं यही तो मैंने बताया आपको अभी यही जो आप सवाल पूछ रहे हैं ये आप पहले भी पूछ चुके हैं तो मैंने वही तो बताया कि वो जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं अकबर के किरदार से ये उससे बिल्कुल अलग होगा मुझे ऐसा लगता है हिस्ट्री पर बेस्ड है सर जी ये आप पूरे ये ताज इन दिनों हम देख रहे हैं जो हिस्टोरिकल नाम है जैसे अलाहाबाद का नाम रख के प्रयागराज करते हैं ये सियासी सवाल ना पूछे आप कैसे देखते हैं नहीं ये सियासी सवाल नहीं पूछे आप आई ने वो ठीक है
सर होल्ड होल्ड सर होल्ड होल्ड सर सर होल्ड बस 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 सिर्फ देखने आया हूं और बेस्ट विशेस देने आया हूं। अभिमन्यु सिंह जो हैं वो दोस्त हैं, उनके साथ मैं एक फिल्म भी कर चुका हूं, बहुत अच्छे मित्र हैं और टीम में से भी ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं। नसीर भाई आशिम के साथ मैंने एक सीरीज़ की है और अदिति हैं, सब लोग हैं। माई बेस्ट विशेज़ टू द इंटायर टीम, द शो इज़ लुकिंग गुड एंड अभिमन्यु एंड ऑल आर ग्रेट प्रोड्यूसर्स, रूपाली अभिमन्यु कॉन्टिनो फिल्म्स। So I wish them all the best. Z5 के साथ मैंने रंगबाज किया था पार्ट टू, तो I wish them also all the very best for the show. It's looking great and I wish them all the best. Legends हैं, बिल्कुल आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, मैं तो वेट कर रहा हूँ। जैसे ही अभी तो खैर शायद दो एपिसोड ही देखेंगे हम लोग, बट properly देखेंगे उसको प्लेटफॉर्म। थैंक यू, थैंक यू। हेलो, आपको बहुत जोर से बोलना पड़ेगा क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। मैं कहना चाहूँगी कि ये शो बहुत ही इमोशनल शो है और आई थिंक इससे बहुत लोग कनेक्ट करेंगे क्योंकि ये सिर्फ ऐतिहासिक ही नहीं, ये रिश्तों के बारे में है, ये इमोशंस के बारे में है और एक ये बहुत बहुत सच्चा शो है ये। क्या करना है बताओ, आज के बारे में कुछ कहेंगे आप? पहले आपने डेफिनेटली देखा होगा, आपने सामने सामने सामने
हां जी आई कैन डू माइक्स फॉर यू बोथ ऑफ यू टुगेदर इफ दैट्स ओके वेरी लर्निंग लर्निंग हां ना भाई हां वेरी नाइस बताओ क्या बोलो क्या हां सो क्या बिल्कुल मैंने ट्रेलर देखा है और मुझे ट्रेलर बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया है कॉन्टिलो एक मेरा परिवार है जिन्होंने इसको प्रोड्यूस किया है और बहुत ही शानदार प्रोड्यूसर्स हैं और बहुत शिद्दत से मेहनत करते हैं तो मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं अभिमन्यु को रूपाली को क्योंकि उन्होंने वो जो भी काम करते हैं वो बहुत मेहनत से काम करते हैं एंड आई एम श्योर कि ताज जो है वो उनका बेस्टेस्ट प्रोडक्शन होगा और उनका सबसे अच्छा काम होगा सो आई एम विशिंग देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम श्योर ताज विल रॉक एज ताज महल थैंक यू सर कौन पूछ रहा है जी वेल मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा कि पूरे मुग़ल सल्तनत का जो नज़रिया है जिन्होंने राइटिंग की है डायरेक्शन और राइटिंग वो अलग नज़रिया है सो आई थॉट इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मेरा जो शख्स है वो किसी इतिहास के पन्ने में आपको नहीं मिलेगा लेकिन जो जिस तरीके से उन्होंने मेरे शख्स के बारे में लिखा है और पोर्ट्रे किया है मैं बहुत खुश था सो या सो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीबॉडी इन Z5 एंड ऑल थैंक यू बहुत एक्साइटेड हूँ मैं पहला काम है मेरा तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है बट आई जस्ट वांट टू से कि हमने बहुत प्यार मेहनत और शिद्दत से ये शो बनाया तो आई होप पीपल लाइक इट एंड पीपल सी द एफर्ट एंड द लव एंड द पैशन दैट वी पुट इनटू मेकिंग दिस मॉन्यूमेंटल मैग्नम ओपस बस थैंक यू हेलो हाँ जी हाँ जी ताज का ट्रेलर जो है यार इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग सो थैंक यू अच्छा लगा बहुत ही अच्छा लगा सो आई एम सो हैप्पी टू बी हियर जी के साथ एक बहुत ही पुराना रिश्ता है आप जानते ही हैं और मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं राघव कोड़ेसिया जो कि इस शो के साथ में इन्वॉल्व हैं सो आई न्यू अबाउट द शो फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ एंड आई बीन वेरी एक्साइटेड सी इट एंड द ट्रेलर इज रियली पाथ ब्रेकिंग तो आई एम क्वाइट श्योर दैट दिस इज गोइंग टू हिट द बॉल आउट ऑफ द पार्क लिटरली थिंक ऐसी बात नहीं है कि कहानी अच्छी तरीके से कही जानी चाहिए वो ज़रूरी होती है
और कई बार जो है मतलब इट्स इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ द स्टोरी, इट्स इंपॉर्टेंट टू नो द इंट्रिकसीज ऑफ द स्टोरी. लाइक आई सेड कि मुझे जो टीम इसे हैंडल कर रही है Z5 से या जो प्रोडक्शन इसे हैंडल कर रहा है, मुझे उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा. आई एम 100% श्योर दैट द एंटायर टीम इंक्लूडिंग द डायरेक्टर विल बी डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब विद दिस. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. प्रोमो बहुत अच्छा लगा. ताहा के साथ मैंने पहले काम किया हुआ है. ताहा के साथ मैंने पहले काम किया हुआ है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द सीरीज एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू द एंटायर स्टार कास्ट. यस, यू कैन. आई जस्ट सेड दैट ताहा हैज बीन अ वेरी डियर फ्रेंड एंड आई हैव वर्क विद हिम, सो आई नो हिम ऑन अ वेरी पर्सनल बेसिस. But other than that, I have always like had a girl crush on Aditi. I really love her. She is one of the prettiest girls that we have in our industry and I'm really looking forward for the entire series. Anything you would like to say? All the very best to the makers and the star cast and everybody who's worked really hard on this project. वेरी एक्साइटेड क्योंकि जब कर रहे थे बहुत मज़ा आ रहा था. सो अब मैं वेट कर रही थी कि कब रिलीज होगा. सो इट्स रिलीजिंग नाउ, सो आई एम वेरी हैप्पी. आई विश देम ऑल द बेस्ट. बहुत दिनों के बाद नहीं, वैसे तो अच्छी अच्छी बन रही है वेब सीरीज़, लेकिन ये वेब सीरीज़ आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक सच काइंड ऑफ बिग, वेरी बिग, क्या कहते हैं, तो बहुत सारे बड़े बड़े सेट्स हैं. बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से बनाया है. मुझे पूरा यकीन है आप लोगों को अच्छा लगेगा. प्लीज़ एंजॉय इट. फाइनली इट्स अ कॉन्टिलो प्रोजेक्ट एंड आई बीन अ कॉन्टिलो आर्टिस्ट फॉर 4 ईयर्स. मुझे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा शो कॉन्टिलो ने दिया एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी. इट फील्स लाइक एक फैमिली के साथ हो, कुछ फैमिली का सपोर्ट करने आए हो. एंड जरीना मैम है, इनके साथ मैं ऑलरेडी अपने दूसरे प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ. सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी एवरीबडी. एक अलग एंगल दिखाया है जो हम लोगों ने आज तक नहीं देखा. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू. थैंक यू.
Hello. Hi, hi. Very well. Kaise ho bhai? Ah. मैं बहुत ही बेताब हूँ ये सीरीज़ देखने के लिए. ये 2 साल की मेहनत है और हमारी टीम के लिए 5 साल की मेहनत है. तो हम बहुत ही प्यार और लगन से हमने ये शो बनाया है. हमें गर्व है इस शो पे और हमें कोशिश है कि आप लोगों को पसंद आए. और अगर आए तो ज़रूर मैसेज करिएगा. एवरीबडी ऑन इंस्टाग्राम राइट नाउ, लव यू. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. यार मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ. हाँ, बिकॉज मेरे इनफैक्ट आदित्य और ताहा दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स. एंड ताहा स्पेशली बिकॉज उसके जो लुक्स होते हैं ना, वो लुक्स पे बड़ा मेहनत करता है जैसे कि मैं. सो आई गेट वेरी हैप्पी व्हेन माय एक्टर फ्रेंड्स डू, एंड स्पेशली माय ब्रदर लाइक ताहा हु वर्क सो हार्ड. सो उसके लिए स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहूँगा, प्लीज़ देखिएगा, नरसिंह साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ. सो आई कांट वेट फॉर वॉचिंग इट डे आफ्टर. सो जब भी आप ये देखो, प्लीज़ वॉच इट एएसएपी. Love you guys, please watch it. मुझे लगता है कि जब भी कुछ ऐसा बनता है इंटरेस्टिंग पीस, मुझे लगता है एज एन ऑडियंस आई मस्ट वॉच. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, स्पेशली इतने सारे दिग्गज कलाकार हैं, नसीर साहब है, एंड आई फील के स्पेशली विद कॉन्टिलो फिल्म्स एंड अभिमन्यु सिंह इज़ अ डियर फ्रेंड एंड रूपाली, आई थिंक उनके लिए ये बहुत ही एक यू नो इट्स अ ब्रिलियंट आई वुड से वेंचर. एंड उनको बेस्ट विशेज देने के लिए तो डेफिनेटली मेरा भी हक बनता है, एंड आई थिंक दैट्स द रीजन आई एम हियर. थैंक यू. ठीक हो? आदिति,
आज जो स्क्रीनिंग है आई एम नर्वस बट ऑल्सो एक्साइटेड. आई होप लोगों को अच्छी लगे. 3rd of March को रिलीज हो रही है ताज और एक एपिक फैमिली ड्रामा लव स्टोरी सब कुछ है इसमें और पीरियड है तो हिस्टोरिकल है. आई होप सबको अच्छी लगे. मैं अनारकली का किरदार निभा रही हूँ बट ये अलग अनारकली है. एक बहुत ह्यूमन अनारकली है. मैं ये हमेशा कहती हूँ कि जब अनारकली का नाम सुनते हैं तो सिर्फ एक ही नाम आता है लेकिन हम मुगले आज़म नहीं बना रहे हैं. ये एक अलग कहानी है और आई होप सबको अच्छी लगे. थैंक यू. कहना चाहता हूँ एक्चुअली आई जस्ट वांट टू टेक इन एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग राइट नाउ एंड जस्ट आई एम लिटिल नर्वस मोर एक्साइटेड बट आई जस्ट कांट वेट फॉर एवरीबडी टू वॉच इट. इट्स अ वेरी बिग डे एंड वी वर्क वेरी हार्ड सो आई जस्ट होप दैट एवरीबडी लाइक्स इट. थैंक यू वेरी मच. How are you doing, man? Very good. Welcome to the show, brother. Arre wow. Thank you. Thank yeah, you. Yeah, very good. Hi. Hi. enjoy the show, brother. Yes. 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 One second. Sir, come on. Smart. Let's go. Let's go. Let's go. I'm going to walk in the water and walk in the water.
Ah, brother. Kya hal chal hai, brother? How are you? Wonderful to see you. Wonderful to see you. Hi. हाँ यार, मैं आपको बताता हूँ, मैं आज आया हूँ मेरे यार के लिए जिसका नाम है ताहा शाह बदूशा। आशिम भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बट ताहा जिसके साथ मैंने अपना एक्टिंग करियर शुरू किया, एंड आई हैव कम हियर टू सपोर्ट हिम। और मैं जानता हूँ अनडाउटेडली मेरे हिसाब से हमारे पूरे क्लैन का वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इज ताहा, एंड आई एम हियर टू सपोर्ट हिम मैन। भाई सिर्फ और बप्पा से कृपा करो, मैं जो दिखाने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ धमाका ही होगा। सो आई एम कैसे कैसे बता दूँ, रुक जाओ थोड़ा समय, रुक जाओ। अरे सीधा तीर दिल पे, यू नेवर नो, बट इट्स गोना बी सम, होपफुली इट्स गोना बी वेरी वेरी सून एंड वेरी नाइस। सो यस, बट फिलहाल के लिए ताज, एंड आई थिंक द ट्रेलर लुक्स रियली प्रॉमिसिंग, द कास्ट इज रियली अमेजिंग, और ताहा इज फैंटास्टिक यार। सो आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द परफॉर्मेंसेस। थैंक यू। अच्छा है, मैंने देखा नहीं है शो अभी तक, लेकिन ऑल इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेल मेड, वेल माउंटेड, और आई जस्ट विश अभिमन्यु इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ऑल द बेस्ट विद द शो, एंड माय पापा इज इन इट, सो आई एम एक्साइटेड। आपके डैड इस बार बहुत ही डिफरेंट अंदाज में दिखाई देने वाले हैं, ट्रेलर में आपने छोटे से किया, आप कितने एक्साइटेड हैं डैडी को डिफरेंट अंदाज में? मैं तो बस खुश हूँ कि पापा अभी भी इतना काम कर रहे हैं, और मतलब एक इंस्पिरेशन है पापा, 87 के हैं लेकिन अभी भी इतना काम कर रहे हैं कि बहुत खुश होता हूँ, मतलब जस्ट टू सी उनके अंदर इतनी आग है काम करने के लिए, सो इट्स नाइस दैट ही इज अ पार्ट ऑफ ताज। यार मुझे ताज का सबसे बढ़िया बात ये लगा है कि उसका स्केल बहुत बड़ा है, ताज के शो जैसा स्केल वाले शोज और भी आ जाए ना तो मुझे लगेगा बहुत अच्छा लगेगा। आई स्टार्ट फ्रॉम जीरो, तो ताज का जब मैंने ट्रेलर देखा मुझे उसका स्केल सबसे बढ़िया बात लगी है, द राइटिंग इज डैम गुड एंड द स्क्रीन प्ले इज कमिंग आउट वेरी वेल। ऐसे स्केल के शोज आए ना तो और भी देखने का मजा आएगा, वी कैन कम्पीट विद द इंटरनेशनल मार्केट विच इज द वेब सीरीज, मतलब इंडिया का गेम ऑफ थ्रोन्स लग रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट टू सी इट एज सून एज पॉसिबल, एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैव मेड इट, Z5 के साथ मेरी फिल्म आई थी 200, तो जिन्होंने वो बनाई थी उन्होंने ही ताज बनाया है, सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई कंग्रेचुलेट Z5। थैंक यू। प्रोमो
मैंने ताज का प्रोमो देखा है एंड आई थिंक सो कॉन्टिलो के साथ मैंने बहुत काम किया है एंड आई नो कि हिस्टोरिकल जॉनर जो ये लोग बनाते हैं आई थिंक इट इज़ ये इट इज़ लाइक 10 times ऑफ व्हाट दे हैव डन ऑन टेलीविजन आई थिंक हिस्टोरिकल शोज कॉन्टिलो इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स फॉर दैट बट ताज का प्रोमो देखकर इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक वाओ आई मीन कुछ अलग कुछ बहुत ही बड़ा आई थिंक द मैग्नीट्यूड इज़ रियली बिग सो आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द शो थैंक यू Good, good of you. Tell me. Yeah, I am super excited. The star cast is great. The show itself is looking great. I saw the promos and all. And it's superb. And being the artist of Z, I think I'm super happy to be here. And always want to get associated with Z5. And super happy to be here on this red carpet. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. मेरे सर का नसीर सर का क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जब मैंने ट्रेलर देखा एंड रूपाली और अभिमन्यु का शो है मुझे मेरा पहला टीवी का ब्रेक उन्होंने दिया था सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट दे मेड और मुझे यकीन है कि बहुत ही अच्छा शो बना होगा खुश हो गए अच्छी बात है मैंने मेरे घर का मतलब चिकनकारी का आज सूट पहना है क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ और ये मैंने लखनऊ से ही स्टिच करवाया था मेरे फेवरेट डिज़ाइनर से वहाँ पर तो आज बस मन किया क्योंकि ताज शो का नाम है तो मैंने कहा क्यों ना अनारकली पहना जाए थैंक यू सो मच
रेड कार्पेट पे रेड